हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में दिखाऊंगा यूटीआई फ्री फॉर्म एंट्री करने के बाद अगर कोई मिस्टेक हो गया है तो कूपन काट लिया बट ऐसा मिस्टेक हुआ है कि एडिट करने के बाद भी ठीक नहीं हो रहा है, तो ऐसा केस में कूपन कैसे रिफंड करना है। तो ये बहुत ही इजीएस्ट प्रोसेस है बट बहुत सारे कंपनी इंडिया में है, आप लोगों को पता है, बट सारे कंपनी ये रिफंड नहीं दे सकते हैं, कुछ कुछ कंपनी दे सकते हैं। तो हमारे कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है, गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है, आप लोगों को पता है, यूटीआई के एडमिन भी है। तो हमारा रिटेलर अगर कोई मिस्टेक करता है तो इंस्टेंट हम कूपन रिफंड कर देते हैं। तो अगर आप हमारे कंपनी से काम करना चाहते हो, अगर ऐसा कोई मिस्टेक हो जाएगा तो ज़रूर कूपन रिफंड मिल जाएगा। अगर आप दूसरा कोई कंपनी से काम कर रहे हैं, ऐसा कोई केस होता है बट कूपन रिफंड नहीं मिलता है, आपका लॉस हो जाता है, तो आपको निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि आप वो आईडी छोड़ के हमारा कंपनी का आईडी ले लीजिए, आप लोगों को ये सुविधा हम दे देंगे, ठीक है। तो आप प्रूफ देख लीजिए, ऐसा हमारे साथ भी हुआ था। हमारा जो रिटेलर पैनल है, रिटेलर पैनल से एक पैन कार्ड अप्लाई किया था, एक नहीं टोटल 3 पैन कार्ड अप्लाई किया था, फ्री फॉर्म एंट्री में मिस्टेक हो गया, तो दुकान का जो स्टाफ है उसने मिस्टेक कर दिया था। ऐसा मिस्टेक क्या था जो एडिट करने के बाद भी ठीक नहीं कर पाया, तो हमने क्या किया, जस्ट कूपन नंबर को टाइप करके कंपनी का व्हाट्सएप नंबर पर भेज दिया और यूज़र नेम भेज दिया, कूपन रिफंड मिल गया है। तो प्रूफ देख लीजिए कैसे रिफंड मिलता है। एक्चुअली रिफंड करने के लिए हमारा एडमिन आईडी जहां से चलता है, हम भी उन लोगों को मेल करता हूँ, मेल करने के बाद तुरंत वो कूपन रिफंड हो जाता है। अगर आपका ये मैसेज हमारे पास सुबह 10 बजे के पहले आ जाएगा तो 11 बजे के बाद कूपन आपको रिफ़ंड मिल जाएगा, एक घंटे के अंदर वो कूपन रिफ़ंड हो जाता है। जैसे देख लीजिए, ये है हमारा यूटीआई का रिटेलर पैनल है। तो प्री फॉर्म एंट्री जब आप करते हो, ये देखो प्री फॉर्म एंट्री में कभी कभी होता है कि आधार नंबर मिस्टेक हो गया या डेट ऑफ बर्थ मिस्टेक हो गया या जेंडर मिस्टेक हो गया, तो ऐसा मिस्टेक में एडिट नहीं होता है। तो एडिट अगर नहीं होगा, कूपन तो आपका लॉस नहीं होने दूंगा, इसलिए ये व्यवस्था है। आप चाहे तो वो कूपन रिफंड ले सकते हैं हमारे कंपनी से। जस्ट आपको क्या करना है, आपको ऐसे लिखना है कि प्लीज़ रिफंड कूपन टू माय आईडी, तो ऐसे आप लिख दीजिए और आपका यूज़र नेम यहाँ पर लिखिए और नीचे जो कूपन आपका लॉस हुआ है, प्री फॉर्म एंट्री में मिस्टेक हो गया है, वो कूपन नंबर आप ऐसे टाइप करके हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है कंपनी का, ये व्हाट्सएप नंबर पर आप दे दीजिएगा। कंपनी का व्हाट्सएप नंबर आप लोगों को पता है, ये कंपनी का व्हाट्सएप नंबर, जस्ट इस टाइप से आप लिखिएगा। तो ये रिटेलर का टोटल 3 कूपन प्रॉब्लम हुआ था, ये 3 कूपन में मिस्टेक हो गया था प्री फॉर्म एंट्री में, तो हम लोगों को ऐसा मैसेज की तरह भेजा था, हम भी यूटीआई को मेल कर दिया तो तुरंत मिल गया रिफंड। तो रिफंड का मेल भी आप लोगों को दिखाता हूँ, ऐसे आप भेज देना व्हाट्सएप में। तो मेल देख लीजिए, ये देखो हमने मेल किया था यूटीआई को हमारे तरफ से, ये देखो हमारे कंपनी का मेल, रिफंड कूपन टू VLE, ऐसा करके हम मेल भेजा था। तो मेल कब भेजा देखो, 3 जून 2022 12:49 पे, ये 12 बजे के बाद इसने मेल किया है, सुबह 10 बजे के पहले अगर करते तो एक घंटे के अंदर मिल जाता, ठीक है। तो इसने जब मेल किया, हमने जब मेल किया यूटीआई को, तो मेल करने के बाद देखो यूटीआई की तरफ से 4 जून को एक मेल आया है, रिवर्टेड, ठीक है, 11:30 बजे के बीच में ये मेल मिल जाता है। तो इसी टाइम में एक्चुअली कूपन रिवर्ट होता है, देखो रिवर्टेड लिख के वो मेल आ गया है और सारे कूपन रिफंड मिल गया है, ठीक है। अभी देखो ये यहाँ पर 4 कूपन बचे हुआ है, तो जो मिस्टेक हुआ था, ये देखो अवेलेबल ई कूपन में हम चेक करता हूँ, तो यहाँ पर अभी 4 कूपन बचे हैं, 3 कूपन मिस्टेक हो गया था। तो इस टाइप से आप कूपन रिफंड ले सकते हो। तो ये सुविधा लेने के लिए दोस्तों आप लोगों को हमारे कंपनी का आईडी लेना पड़ेगा, UTI PSA का। तो UTI PSA का आईडी बिल्कुल फ्री है, कोई चार्ज नहीं लगता है, और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है वो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर हम दे देंगे। कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं, जस्ट व्हाट्सएप में टाइप करके SMS भेज दीजिएगा कुछ डिटेल्स, तो क्या क्या डिटेल्स भेजना पड़ता है वो डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, वहाँ पर देख के आप भेज दीजिएगा, तो आपको आईडी तुरंत मिल जाएगा। और कूपन एडिंग का प्रोसीडियर, आप कभी भी कूपन ले सकते हो, सुबह 8 बजे से रात को 8 बजे तक,
संडे को भी ऐड होता है और इंस्टेंट कूपन मिल जाता है। ठीक है, तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। तो आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया FD कम्युनिकेट को, तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब करके रखा है उनको मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आज का वीडियो यहीं तक।